हेलो व्यूवर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आप ही के अपने शो में, जहां पर आपको मिलता है ढेर सारा नॉलेज, अवेयरनेस, पॉजिटिविटी और सबसे खास बात उम्मीद। उम्मीद यानी कि होप। वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है कैंसर होप। दोस्तों, जब किसी को कैंसर हो जाता है, कैंसर के साथ साथ एक और खौफनाक बीमारी उनके अंदर आ जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती, वो है डर। डर जैसे ही आपके शरीर में दाखिल होता है, वैसे ही कैंसर और तेजी से फैलने लगता है शरीर में। ये कहना है हमारे एक्सपर्ट का, और उनका ये भी कहना है कि अगर कैंसर का डट कर पॉजिटिवली अगर मुकाबला किया जाए तो वक्त रहते ही आपकी जिंदगी में सुधार आ सकता है और कैंसर हमेशा के लिए बाहर जा सकता है आपके शरीर से। इसी सिलसिले में और डिटेल में हम जानना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से। ही इज नन अदर देन प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी जी। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी एक समर्पित टीचर और पेशेंट्स के चहेते हैं, जिन्होंने 30 सालों के अनुभव द्वारा क्लासिकल होम्योपैथी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट किया और अपनी रेवोल्यूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायो साइको सोशल मॉडल, जिसकी हेल्प से आज इनऑपरेबल और लास्ट स्टेज कैंसर से जूझ रहे तमाम लोगों को नया जीवन मिला है। अपनी अद्भुत रिसर्च के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में सम्मानित डॉक्टर अंसारी को अब तक अनेक अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अंसारी का एक ही मिशन है, खतरनाक बीमारियों के आतंक को चुनौती देना और कैंसर के खौफ का सफाया करना। नमस्कार डॉक्टर अनवर साहब, वेलकम टू कैंसर होप। थैंक यू स्नेहल जी, नमस्कार, आदाब व्यूअर्स। दोस्तों, अगर जिंदगी में पॉजिटिविटी हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, तो कैंसर क्या चीज है? कैंसर वाकई में बहुत सीरियस बीमारी है, लेकिन इसका अगर हंस कर डट कर मुकाबला किया जाए तो डेफिनेटली ये बीमारी भी बहुत ही मामूली सी चीज लगेगी और जिंदगी से निकल जाएगी। कैंसर से जुड़ा कोई भी फियर अगर आपके अंदर है तो उसका हल देने के लिए खुद डॉक्टर अनवर साहब हमारे बीच आज यहाँ मौजूद हैं। वक्त जाया मत कीजिए और अभी इसी वक्त कॉल कीजिए, और अगर कैंसर से जुड़ा कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो उसका हल ढूंढिए। कॉलिंग डिटेल्स सारी की सारी आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, सो कॉल राइट नाउ। डॉक्टर अनवर साहब, जब बात कैंसर की आती है तो नॉर्मली अगर जहन में किसी के ट्रीटमेंट आती है तो कीमोथेरेपी या रेडिएशन, सर्जरी, ये सब होता है, बट होम्यो साइको ऑन्कोलॉजी कुछ हटकर है जी। तो आपके जहन में ये कैसे आया कि कैंसर के प्रति अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो वो होम्योसाइको ऑन्कोलॉजी के साथ हो? देखिए स्नेहल जी, ऐसा है कि मैं होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ जी, और पिछले 30 सालों से मैं होम्योपैथी के ऊपर काम कर रहा हूँ और अप्रोच के ऊपर काम कर रहा हूँ। होम्योपैथी में जो हमेशा से माइंड का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, एब्सोल्युटली, और मैंने जो होम्योपैथी को देखा और जो प्रैक्टिस किया, माइंड बेस्ड होम्योपैथी मैंने पिछले 30 सालों से किया। होम्योपैथी एक वास्ट साइंस है और इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग अंदाज से दिया, टुकड़ों टुकड़ों के अंदर, हर एक अपने स्किल के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको देखता है। कोई लोग टिंचर्स यूज़ करते हैं, कोई लोग जनरल सिम्टम्स देखते हैं, कोई लोग मदर टिंचर्स देते हैं, अलग अलग, सबको अपने अपने रिजल्ट। तो मैंने देखा कि ये जब मैं माइंड का काम करता हूँ तो दो चीज़ होती है, एक तो बीमारियाँ बहुत जल्दी ठीक होती हैं, फास्ट, और मुकम्मल तौर पर जाती हैं। तो मेरा शुरू से अप्रोच ये इसी तरह से रहा है। जैसे जैसे मेरा शौर बढ़ा, मेरी नॉलेज बढ़ी, मेरी रीडिंग बढ़ी, मेरी लैटरल रीडिंग बढ़ी, तो मैं बाकी जो साइंसेस को इंटीग्रेट करते गया, तो मुझे बाकी जो और भी जो लोगों ने जो काम किया है कैंसर में या और जो दूसरे फील्ड के अंदर, ऑल्टरनेटिव रीडिंग में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। तब मुझे समझ में आया कि भाई ये जो कैंसर के जो ट्रीटमेंट के अंदर जो स्कोप जो बताया गया है, सर्जरी का या कीमोथेरेपी का या रेडिएशन का, लिमिटेड है। तो किस तरह से शोषण होता है, किस तरह के रिसर्च को मैनिपुलेट किया जाता है, ये सब चीज़ें जब हमें मालूम पड़ी तो हमने सोचा कि भाई हम किस तरह से हमारा जो अप्रोच है इसको इसमें लगाएं और बाकी ऑल्टरनेटिव साइंसेस को हम कैसे उसमें हम इनकॉर्पोरेट करें। तो हमारे सामने दूसरी जो चीज़ें आई वो एक जो लेटेस्ट रिसर्च के अंदर के कुछ स्टडीज़ ऐसी हुई हैं RCTs के ऊपर, जहाँ पर डायरेक्टली बताते कि माइंड का कनेक्शन कैंसर से है, माइंड कॉजेस कैंसर, ये RCTs हैं। डॉक्टर अनवर साहब, अभी जैसे कि आपने कहा कि माइंड कॉजेस कैंसर,
तो इस बात को हम ऐसे ही बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है आज के हमारे पहले कॉलर का, तो अगर आपकी इजाजत हो जी, जी. तो पहला कॉल लेंगे जी. हेलो. हेलो, नमस्कार, कैंसर होप में आपका स्वागत है. क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है? माय नेम इज परवीन. परवीन जी, आप कहाँ से बोल रही है? मैं मुंबई से, माहिम जी. परवीन जी, अभी आपकी बात मैं कराने जा रही हूँ डॉक्टर अनवर साहब से. आपका जो सवाल है आप उनसे पूछ सकती है. ओके जी, परवीन जी फरमाइए. डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे डैडी को जो कैंसर हुआ था वो आपके इलाज से काफी फर्क पड़ गया उनको. ओके, थैंक यू. परवीन जी, आप जरा इलैबोरेट करेंगे आपके डैडी का क्या केस था और क्या कंडीशन में आए थे, क्या क्या हुआ था, हमारे जो व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? डैडी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, तो वो डैडी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे, डॉक्टर के अंडर में थे, उनसे उनको कैंप वगैरह सब कराते जा रहे थे, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं हो रहा था. उनको वो ब्लीडिंग, यूरिन में से ब्लीडिंग वगैरह पास हो रही थी जी, और उनको काफी पेन वगैरह, स्किन का इचिंग वगैरह, उनको नींद नहीं आती थी कि मिडिल ऑफ द नाइट उनको वॉशरूम वगैरह जाना पड़ता था. फिर हमने आपके उधर आए, उनको कॉन्टेक्ट किया, उसके लिए उनकी दवा से काफी फर्क पड़ गया उनको. अभी उनको काफी आराम है. पीएससी का रिपोर्ट पहले हाई था, हाँ, उसके बाद में फिर कम होकर नॉर्मल की रेंज में आ गया था. हाँ हाँ, आपके कॉल से हमारे जो दर्शक है उनको हौसला मिलेगा, हिम्मत आएगी और हाँ, एक अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का, कदम बढ़ाने का है. हाँ, उनको एक नई जहत मिलेगी उनको. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच परवीन जी. दोस्तों, मेरी एक छोटी सी इच्छा है, वो कुछ ऐसी है कि अगर आपके जिंदगी में या आपके किसी परिचित जनों में भी कैंसर दाखिल हो चुका है तो चाहूंगी कि डॉक्टर अनवर साहब से आप संपर्क करें और उसके बाद में वो कैंसर से लड़ाई आप ऐसी बरकरार रखें और जल्द से जल्द कैंसर आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए, कहते हैं ना, टाटा बाय बाय हो जाए, और उसके बाद में आपका भी एक ऐसा ही सक्सेस कॉल हमारे बीच में शो में हम लोग सुन पाए. इससे हमें बहुत खुशी मिलती है कि डॉक्टर अनवर साहब की जो ये कोशिश है कि कैंसर हर एक की जिंदगी से निकल जाए वो हमें साकार होते हुए दिखता है. तो वेल, उसी के लिए मैं चाहूंगी कि कोई भी सवाल अगर आपके जहन में हो कैंसर के रिलेटेड तो आप यहाँ पर इस शो में डेफिनेटली डॉक्टर अनवर साहब से पूछ सकते हैं, और इस शो के बाद भी अगर आपका मन करे कि डॉक्टर अनवर साहब से कॉन्टैक्ट करना है तो ये सेम नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके डॉक्टर अनवर साहब से और उनकी पूरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर और आपकी स्क्रीन पर मौजूद है. डॉक्टर अनवर साहब, हमारी बात बीच में ही रह गई थी क्योंकि कॉलर का कॉल आया था. हमारी बात यही थी कि माइंड प्लेज अ वाइटल रोल टू ट्रीट कैंसर. जी जी. तो इसके बारे में आप कुछ हमसे, मैंने आपसे बताया ये, मैंने आपसे कहा, मैं इस पॉइंट पर था कि स्टडीज जो रिसेंट हुई है जी, वो मतलब ये दिखाती है कि माइंड का कैसा रोल इफेक्ट करता है कैंसर के ऊपर. एक जो और एक अहम जो हमने प्रैक्टिकल जो चीज़ जो हमको मालूम हुई जब रीडिंग हमने किया, लैटरल रीडिंग जब किया, डॉक्टर हैमर के बारे में हमें पता चला. डॉक्टर हैमर ये वो शख्स है इस सदी के जो पूरा जो कॉन्सेप्ट जो है जिससे चेंज हो सकता है, जिससे बहुत से लोगों को उम्मीद मिल सकती है. उन्होंने 40,000 से ज़्यादा केसेस पर 30-35 साल से एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने ये साबित किया. उनको खुद को भी कैंसर था, टेस्टिकुलर कैंसर था, और उसके बाद में वो हेल्थी थे, लाइफ स्टाइल अच्छा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अचानक कैंसर केस हुआ. तो उन्होंने, उनके जब बच्चे का डेथ हो गया था उसका इफेक्ट जब समझ में आया उनको, इसके वजह से हुआ, बाकी तो मुझे कुछ था नहीं. तो वो खुद भी कैंसर के स्पेशलिस्ट थे और फिर उन्होंने पूरे जितने उनके कैंसर के केसेस थे, पेशेंट्स थे, सबको एनालाइज किया, सबको बुलाया कि ये कैंसर डेवलप होने के पहले क्या हुआ था. तो हर एक कैंसर के पीछे एक स्टोरी थी. ओके. कि टेस्टिकुलर कैंसर जो है ये मतलब कि अचानक से बच्चे की डेथ की किस्म से आदमियों में होता है और औरतों में ओवरीज का प्रॉब्लम ऐसा होता है. तो इस किस्म की रिसर्च आई. ब्रेस्ट का एक रीजन था, जो ब्रेस्ट कैंसर केसेस थे उसमें ये कॉमन दिक्कत आया. जो लंग कैंसर केसेस थे उसमें ये कॉमन दिक्कत आया. तो इमोशन जो थे आपके अलग अलग थे, उसका कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग था. तो ये जब मैंने जब पढ़ा और उसके बाद में मैं जाके इसको स्टडी और भी किया डॉक्टर हैमर को, और फिर मैं इसके लिए मैंने कनाडा में जाके मैंने और भी मतलब इसके जो चीज़ों के बारे में मालूम किया, पूरी साइंस समझा. तो मैं देख रहा कि ये तो वही चीज़ है जो मैं जो देख रहा हूँ मेरे पेशेंट्स में सालों साल से, मैं उसी बुनियाद पर काम कर रहा हूँ. लेकिन ये कॉज हो सकता है मुझे नहीं मालूम था, तो मुझे ये समझ में आया कि ये कॉज भी है. तो ये बाकी जो चीज़ें जो आई है बाद में जो रिसर्च के जरिए मालूम पड़ी है, इनके प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस मालूम हुए, हमने सबको क्लब करना, करने की कोशिश की.
और उसके जरिए हमने ये कॉन्सेप्ट, ये टेक्निक है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि हैमर की जो वर्क के ऊपर बेस्ड है, और वो हमारे होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर हैनीमन जिन्होंने हमको जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो करते हमने एक टेक्निक डेवलप की जिसे हम होम्योसाइको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या बात है डॉक्टर अनवर साहब, होम्योसाइको ऑन्कोलॉजी, हमने आपसे इसके बारे में बहुत कुछ जाना और समझा है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा काम आती है कैंसर के लिए, टू ट्रीट कैंसर। बट मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कैंसर एक बहुत ही लाइलाज बीमारी है, क्या दूसरी भी बीमारियाँ चाहे छोटी या बड़ी सारी बीमारियों के लिए क्या हम सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं, आई मीन होम्योसाइको ऑन्कोलॉजी? जी जी, देखिए ऑन्कोलॉजी रिलेटेड टू कैंसर। अच्छा, और जब हम जनरल जाते हैं तो होम्योसाइकोथेरापेटिक्स होता है। अच्छा, तो हम दूसरे केसेस के अंदर वही करते हैं, चूंकि यहाँ पर कैंसर की बात हो रही है इसलिए होम्योसाइको ऑन्कोलॉजी हो गया। अच्छा। बाकी इन जनरल होम्योसाइकोथेरापेटिक्स के ऊपर ही हम काम करते हैं कि जो इम्पोर्टेंस जो देते हैं माइंड को कैसा कॉज हुआ, बुनियाद वही है जी। लेकिन ये हर सिर्फ मैं सिर्फ कैंसर नहीं करता हूँ, मोस्ट ऑफ माय केसेस आर कैंसर बिकॉज ऑफ दिस, बट लेकिन और भी जो बीमारियां, किडनी बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां हैं, एलर्जीज है, अस्थमा है, जॉइंट पेन्स है, रूमेटिज्म है, किडनी डिसऑर्डर्स है, इन सबको मैं उसी बेस पर करता हूँ। एब्सोल्युटली डॉक्टर अनवर साहब, और इसी के साथ में अब वक्त हो चला है हमारे अगले कॉलर का, तो लेते हैं आज का अगला कॉल। जी जी, हेलो। हेलो, नमस्ते, आपका कैंसर होप में स्वागत है, क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेयस जैन है और मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, जामनगर। श्रेयस जी, अभी आपकी जो बात होगी वो होगी डॉक्टर अनवर साहब से, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो डॉक्टर। हाय श्रेयस जी, हाउ आर यू, बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? सर मैं एक एथलीट हूँ जिसकी वजह से मैं मतलब फिजिकली फिट हूँ और मेरा डाइट वगैरह भी बहुत अच्छा था। अच्छा। कुछ महीने पहले मुझे बहुत लूज मोशंस वगैरह हुए और ब्लीडिंग भी हुई स्टूल में, और डॉक्टर्स ने तो काफी अलग अलग बीमारियां बता के उसका इलाज मैं लेता रहा, लेकिन जब वो बहुत प्रोलॉन्ग रहा तो मुझे एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने कोलोनोस्कोपी के लिए बताया। कोलोनोस्कोपी किया और वो अल्सराइटिव कोलाइटिस था। okay. और काफी अल्सर्स थे जिसमें से एक का सैंपल निकाल के बायोप्सी भी हुआ लेकिन वो निगेटिव आया, लेकिन डॉक्टर्स ने सस्पिशन बताया है कि आगे जाके दिस माइट बिकम कार्सिनोजेनिक और बहुत संभावनाएं होती है। तो सर मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि डिस्पाइट ऑफ सारी चीजें मेरी हेल्दी थी फिर भी मुझे एक ऐसा डाइजेस्टिव इश्यू होने का कारण क्या हो सकता है, वन, और दूसरा आगे जाके ये कैंसर ना हो इसके लिए मैं अभी से क्या कर सकता हूँ? ओके, बहुत अच्छा सवाल किया श्रेया जी। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका डायग्नोसिस क्रोन डिजीज आया है। क्रोन डिजीज भी जो इमोशन के ऊपर एस्टैब्लिश्ड है कि ये स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। अभी इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस। अगर वो स्ट्रेस आपको सिर्फ वो लेवल तक नहीं हुआ कि कैंसर हो तो क्रोन डिजीज में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन अगर सिमिलर स्ट्रेस अगर आपको एक हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो कोलोन से जो बीमारियों का ताल्लुक होता है उसका स्ट्रेस क्या है, उसका इमोशन कॉन्फ्लिक्ट क्या है हमको मालूम है, वो मैं आपसे अभी फिलहाल नहीं शेयर करना चाहूँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी जी। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आपको हुआ है, वो इतना इंटेंस नहीं था कि आपको कैंसर पैदा करे, लेकिन इतना ज़रूर था कि कुछ इस किस्म की बीमारी पड़े जो कैंसर तो नहीं है लेकिन कैंसर जैसी तकलीफ दे सकती है, तो वो क्रोन डिजीज की शक्ल में आई। क्योंकि क्रोन डिजीज का भी जो कंसर्न है वो माइंड से है, तो ये इस्टेब्लिश हो गया अभी कि भाई माइंड कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका जो ये सवाल ये है कि मैं एथलीट था, फिट था, सब कुछ था, तो आप बॉडी तौर पर फिट हुए होंगे, आपने बॉडी की बड़ी एक्सरसाइज की होगी, मश्क किया होगा, लेकिन आपने आपका जहन का मश्क नहीं किया। फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ में आपको माइंड का भी स्ट्रेंथ, माइंड की भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको, माइंड को फिट रखना पड़ेगा, माइंड की मजबूती करनी पड़ेगी। ये मेरा मशवरा आपको है, और हो सकता है कि अगर आपने ये किया, हो सकता नहीं, ये श्योर हूँ मैं कि अगर आपने एक्सरसाइज माइंड की इमोशंस कंट्रोल किया, अपने आप में शिफ्ट लेके आया सोच में, आपने गुस्से को अपने कंट्रोल किया, क्योंकि जो इसका ताल्लुक इसी ताल्लुक चीज से है, तो हो सकता है कि आगे जाके आपको कैंसर नहीं होने की तो बात दूर है, आपका क्रोन डिजीज भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच श्रेयस फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू डॉक्टर अनवर साहब, जैसे कि अभी हमने देखा कि श्रेयस जी ने आपको कॉल किया जो कि थे जामनगर गुजरात से,
कई लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से या इवन अलग अलग देशों से आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो उन तक आप अपनी सलाह और अपनी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे पहुंचा सकते हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ा USP ये है कि पेशेंट को समझना। जी, पेशेंट को समझने के लिए मुझे पेशेंट की अंदरूनी चीजें, क्योंकि जो बाहर से जो पेशेंट दिखता है वो वैसा होता नहीं, राइट, और वो अंदर की चीज सबसे शेयर नहीं करता है। Absolutely. आप सालों साल तक किसी के साथ में रहेंगे लेकिन आप नहीं जान पाएंगे उनको। तो ये जो होता है इड ईगो और सुपर ईगो वाला मामला होता है, जो हमको उसको तोड़ के आगे अंदर, जो हमको जो उसके खोल तोड़कर अंदर घुसना पड़ता है। तो आइडियली जो सबसे अच्छा तरीका है वो कि पेशेंट के साथ में रहे, जो हम चाहते हैं, ताकि मैं बेस्ट काम कर सकूं। लेकिन कुछ कुछ मजबूरियां होती है इससे बाहर के पेशेंट से। अब तक कि हम कैसे ये करते कि भाई आप, हम आपको एक फॉर्म देते हैं, अगर वो आपके पूरे इमोशंस आप उसमें डाल सके या हमारे जो टीम है उससे बात कर सके स्काइप के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर, और अगर हम समझ पाए तो उसके हिसाब से हम दवाई भिजवा सकते हैं। या कोई करीबी आदमी आपका जो यहाँ पर है वो अगर भेज कर वो बता सकता है तो हम वो कर सकते हैं। तीसरा जो है कि आजकल तो कम्युनिकेशन बहुत तेज़ हो गया इंटरनेट के ज़रिए, और दूसरे व्हाट्सएप हो गया या कॉलिंग हो गया, वीडियो कॉलिंग है, स्काइप है। तो हम तो एक तो ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया हमारा एक परफॉर्मर केस परफॉर्मर, उसको अपनी पूरी बात दिल से लिख कर भेजिए, एक ये उसमें हो गया। सेकेंडली अगर आप स्काइप के ऊपर आना चाहते हैं उस वैसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको मेन जो रिक्वायरमेंट है, हमारे जो लवाजिमात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हमको मिलेगा तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप पर्सनली मिलने ज़्यादा अच्छा होगा। Absolutely. नहीं तो हम इस बुनियाद पर आपको समझ के जो बेस्ट पॉसिबल है वो हम करेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। वेल, इसी के साथ डॉक्टर अनवर साहब, फिर से एक बार तहे दिल से आपसे कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और अपना कीमती समय आपने हम सबको, हमारे दर्शकों को दिया, और इतना सारा नॉलेज और इतनी सारी पॉजिटिविटी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्नेहल जी, थैंक यू दर्शक लोग, बहुत बहुत आप लोगों को ये प्रोग्राम मुबारक हो, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपको और समाज को, हमारे देश को, सबको भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। वेल दोस्तों, जिंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, करियर बनाना, नाम कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सारी चीज़ें तब मुमकिन है जब हमारी जिंदगी सेहतमंद जिंदगी हो। अगर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हमारी जिंदगी में आ जाए तो सारी चीज़ें नामुमकिन सी लगने लगती है, लेकिन तभी वक्त है डटकर उसका मुकाबला करने का, उस पर मात देने की। हमारी जो ये इच्छा शक्ति है, इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें हमें सीखने मिली है डॉक्टर अनवर साहब से। कोई भी सवाल या कोई भी परेशानी आपके जहन में हो तो डॉक्टर अनवर साहब और उनकी पूरी टीम आपकी सेवा में तत्पर है। ये रही हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। हमारा पता है डॉक्टर अनवर आमिर्स क्यूरेटिव होम्योपैथी, 29/30 पटेल आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, KD टावर, 233/234 बिलासिस रोड, मुंबई सेंट्रल, 400008। हमारे फोन नंबर है 02-2300-4757, 02-2300-5757, और 9930-950-750। हमारी ईमेल आईडी है dranwaramir@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.dranwaramir.com। सो वेल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय। चाहती हूँ आप सभी से इजाजत, दोबारा आप सभी से यही मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है कैंसर होप, उम्मीद अभी बाकी है। हम सब अगर डटकर मुकाबला करें तो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को भी हम मात दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।